आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में, देखे और सीखे द नीटिंग चैनल में। तो मैं आप सबके लिए कुछ नया लेके आई हूँ। तो इस तरह को आपको रबट की ज़रूरत है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसमें हम ऊल भी यूज़ करेंगे। तो किस तरह से बनेगी, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अपने वीडियो लाइक नहीं करती हैं और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में एक घंटी भी आएगी उसे भी दबा लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ ऊन की बात कर लेती हूँ। ऊन हम 4 ply लेंगे और क्रोशिया नंबर यहाँ पे हम लेंगे 3.5 mm क्रोशिया। सबसे पहले हम एक गांठ लगाएंगे। यहाँ से 30 chain बनाना हमें। यहाँ पे हम 30 chain लेंगे, यानी 30 chain लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 यानि टोटल हमें 30 chain बना के कम्प्लीट करना है। अब देखिए जिसमें धागा लगा हुआ है ये चेन छोड़ देंगे हम, उसकी बाद वाली जो चेन है इसमें हम डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, पहली चेन से निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ से उसके नेक्स्ट वाली चेन पर डालेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, उसके नेक्स्ट वाली चेन पर डालेंगे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, उसके नेक्स्ट वाली चेन पर डालेंगे डबल क्रोशिया करेंगे, उसके नेक्स्ट वाली चेन पर डालेंगे डबल ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 3 फंदों को 3 बार निकालेंगे, 1, 2 और 3। फिर से इधर जो हमने रिपीट किया है सेम इधर भी आपको रिपीट करना है, ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद इसके बाद फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, 2 फंदे निकालेंगे, फिर से 2 फंदे क्रोशिया पर धागा लेंगे, नेक्स्ट वाली चेन पर डालेंगे, यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 3 फंदे एक साथ निकालेंगे। यहाँ पे आप सिंगल क्रोशिया करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 13 slip stitch करना है, तो एक हमने कर लिया, 13 slip stitch करना है आपको, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। टोटल हमने यहाँ से यहाँ तक 13 slip stitch कर लिया है। अब देखिए फिर से यही डिजाइन हम रिपीट करेंगे जो हमने इधर बनाया हुआ था। स्लिप स्टिच तो हो गई हमारी, नेक्स्ट चेन पे डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 फंदे निकालेंगे एक साथ, उसके अगली वाली चेन पे डालेंगे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, यानी 3 फंदों को एक साथ निकालेंगे हम, 1, 2, 3 तीनों को एक साथ निकालना आपको। इसके बाद वाली चेन पर हम डालेंगे यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, 3 फंदों को हम 2 बार में निकालेंगे, पहले 2 फंदे निकालेंगे फिर से 2 फंदे निकालेंगे। अब उसके अगली वाली चेन पे डालेंगे और यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, तो 2 बार धागा घुमा के नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे 3 फंदों को 3 बार निकालूंगी, 1 बार एक फंदा, उसके बाद दूसरा फंदा, उसके बाद दूसरा फंदा, तो इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया ये। अब यही डिजाइन फिर हम घटते क्रम में बनाएंगे, इधर बढ़ते क्रम में बनाए हमने, अब घटते क्रम में क्रोशिया पर धागा ले लेंगे, नेक्स्ट वाली चेन पर डालेंगे, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे और लास्ट वाली चेन पे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यही चीज़ दोहराते हुए हमें फिर से इधर से घूमते हुए इधर आना है, तो एक चेन ले लेंगे सबसे पहले हम, ये स्लिप स्टिच वाली हमारी ये चेन है, देखिए ये जो चेन दिख रही है आपको स्लिप स्टिच वाली है, तो यहाँ पे डालेंगे, एक चेन ले लिया हमने, सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे और एक स्लिप स्टिच पहले हम कर लेंगे, इस चेन से निकाल लेंगे,
उसकी वाली दूसरी वाली जो चेन थी यहाँ पे, यहाँ हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, दो फंदों का एक फंदा कर देंगे। उसके नेक्स्ट वाली चेन पे हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, तीन फंदे एक साथ निकालेंगे, उसके नेक्स्ट वाली चेन पे डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे, उसके नेक्स्ट वाली चेन पे ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, तीन फंदों को तीन बार निकालेंगे, एक दो और ये तीन, फिर से रिपीट करेंगे हम। इसके नेक्स्ट वाली चेन पे डालेंगे और यहाँ पे हम पहले डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, तीन फंदे एक साथ निकालेंगे, इसके नेक्स्ट वाले में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ से फिर से हमें 13 स्लिप स्टिच करना है, यहाँ से यहाँ तक, यानी 13 स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और ये 13 हमने बना लिया। अब देखिए किस तरह से बनेगी। फिर से रिपीट करेंगे हम वही चीज़। यहाँ पे डालेंगे, पहले तो हम यहाँ पे डालेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे क्योंकि हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है। यहाँ पे डालेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, तीन फंदे एक साथ निकालेंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे, तीन फंदे दो बार निकालेंगे, फिर यहाँ पे हम डबल सॉरी ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, तीन फंदों को तीन बार निकालेंगे, एक फंदा निकाला, दूसरा फंदा निकाला और ये तीसरा फंदा निकाला। अब फिर से हम इधर से घटते क्रम में बनाएंगे। अब यहाँ पे डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जो शुरुआत में यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे डालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे, पहली चेन से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम धागे को काटना है हमें। अब जो बचे हुए धागे इसे क्रोशिया की मदद से पीछे की साइड से मिधर कर लेंगे। इधर से करते हुए इधर ले आएंगे, उसके बाद धागे को काट लेते हैं, दोनों साइड हम इस तरह से कर लेंगे, इधर भी और इधर भी। उसके बाद दिखाती हूँ मैं इसे क्या करना है। अब देखिए किस तरह से करना है हमें। ये रबड़ लेंगे, रबर को सीधा करना है। अब ये भाग लेंगे इसे हम, और इस तरह से उल्टा करते हुए इसे हम ऐसे रखेंगे हम, और यहाँ पे इस तरह से बांधना है हमें। बांधने के बाद हमारी ये कितनी प्यारी सी है, चोटी में लगाने के लिए देखिए रेडी हो गई। एक और हमने बना के रखी हुई है, दो हो गई। इस तरह से मार्केट में जो मिलती है देखिए, उसे हम घर बैठे आराम से बना सकते हैं, कितनी आसानी से। तो लग रही है ना कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत और कितनी ईजी भी है, कोई भी बना सकता है। और बहुत थोड़ी सी ऊन लगती है इसमें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।